राशन कार्ड है, आप लोग भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं, इस खबर को ध्यान से सुनिए। अगर आपने पिछले 3 महीने से अपने राशन कार्ड पर राशन नहीं लिया है तो सरकार इसे ब्लॉक कर सकती है, सरकार आपके राशन कार्ड को रद्द कर सकती है। दरअसल अब ये खबर क्यों निकल कर सामने आ रही है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, आप लोग जानते हैं कि सरकार फर्जी तरीके से बनाए गए राशन कार्ड्स पर एक्शन ले रही है और उन तमाम राशन कार्ड्स को रद्द कर रही है, यानी कि डिसमिस कर रही है, जिसके बाद नए जो आवेदन करता है उनके राशन कार्ड्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। दरअसल देखें आप, फर्जी राशन कार्ड के खिलाफ इस समय बड़ी कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि बाहर के राज्यों में भी ऐसा हो रहा है। और अभी तक लगभग अगर मैं कुछ इलाकों की बात करूं तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि 40,000 से भी राशन कार्ड जो है वो काट दिए गए हैं, यानी कि लिस्ट से उन लोगों का नाम काट दिया है। 40,000 से भी ज्यादा राशन कार्ड हैं जिनमें राशन कार्ड लिस्ट से नाम उनका काट दिया गया है। और अब जो रद्द किए गए राशन कार्ड हैं उनकी जगह नए आवेदकों के, यानी कि जो नए एप्लीकेंट्स हैं उनके राशन कार्ड जो है वो बनाए जाएंगे। अभी इसके साथ मैं बताऊं, इसके अलावा 3 महीने से ज्यादा राशन नहीं लेने वालों के राशन कार्ड धारकों की भी जांच अभी फिलहाल चल रही है। जिन लोगों ने पिछले 3 महीने से राशन नहीं लिया है अपने राशन कार्ड पर, क्या रीजन है, क्यों नहीं लिया है, क्या वो अपने इलाके में नहीं है या इसके पीछे के कोई और कारण है, इस पर भी जांच चल रही है। पर इसके पहले जिन लोगों ने फर्जी नाम, फर्जी तरीके से अपने राशन कार्ड बनवाए हैं उन पर अभी फिलहाल शिकंजा कसा गया है। देखें, कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में आपकी बेटी शादी करके दूसरे घर में चली जाती है पर उसका राशन का नाम आप ही के राशन कार्ड पर रहता है, या कई बार ऐसा होता है कि आपने ये देखा होगा कि आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है पर मृत्यु के बाद भी राशन कार्ड से नाम आप लोग नहीं कटवाते हैं। तो ऐसे में सरकार ने KYC करवाना जरूरी कर दिया था, EKYC आप लोगों के राशन कार्ड की होना जरूरी थी। EKYC से ये पता चलता कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कुल कितने लोग जो है वो राशन ले रहे हैं, कितने लोग प्रेजेंट हैं, ये तमाम चीजों के लिए फिलहाल KYC करवाना सरकार ने जरूरी कर दी। ये बहुत से राज्यों में जरूरी की गई थी, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, हालांकि इसकी लास्ट डेट जो है वो निकल चुकी थी पर उसके बाद सरकार ने लास्ट डेट को दोबारा बढ़ा दिया ताकि जिन लोगों ने भी KYC नहीं करवाई थी वो लोग KYC करवा ले। पर अभी मैं आपको बता दूं, एक्शन मोड पर आ चुकी है सरकार। अभी तक लगभग 40,000 राशन कार्ड ऐसे हैं जिनको फिलहाल, जिनके लिस्ट में से नाम काट दिया गया है और अब जो 40,000 ये बच गए हैं, आगे भी कार्रवाई हो रही है और भी लिस्ट में नाम काटे जाएंगे, पर आप लोग भी कहीं इस लिस्ट में शामिल ना हो, आप लोगों का भी राशन कार्ड से नाम ना कट जाए, इसलिए ध्यान से इस खबर को सुने। आगे जो भी फिलहाल सर्वे चल रहा है सरकार का, इसके तरीके से आप लोगों को ये देखना जरूरी है कि आप लोग भी अपने राशन कार्ड से राशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो ये तमाम चीजें फिलहाल जरूरी की गई हैं। और अब जो पिछले 40,000 राशन कार्ड काटे गए हैं, नए एप्लीकेंट्स के राशन कार्ड लाए जाएंगे और उनको जो है वो राशन इस पर चलते जो है वो दिया जाएगा। अब आप ये देखें कि 3 महीने से ज्यादा अगर आप लोगों ने अपने राशन कार्ड से राशन नहीं लिया है तो इसके ऊपर भी जो है वो जांच फिलहाल की जाएगी। तो अभी तक की जो जरूरी जानकारी सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये मैंने आपको बताई है। फिलहाल दिल्ली की बात करें तो वहां पर अभी तेजी से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, तेजी से हर चीज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और अभी दिल्ली के अलावा भी बाकी राज्यों की बात की जाए या केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो राशन कार्ड होल्डर्स के लिए जरूरी चीज फिलहाल की जाएगी। तो अभी तक की जो जानकारियां हैं ये आपके सामने हमने रखी हैं, आगे की जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहे अर्ली टाइम्स। कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।